मॉर्निंग एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा आपका अगेन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम ट्रैवलर में। दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2021। तो सबसे पहले हमारे सभी देशवासियों को, मेरे सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे प्लेस पर जो कि यहाँ से महोबा से करीब 70 किलोमीटर के आसपास है, और हम जिस व्हीकल पे आज जा रहे हैं वो है मेरी स्कूटी। और दोस्तों, पिछले बार की तरह आज के जो मेरे साथ जो ट्रिप पे जा रहे हैं, वो पिछले बार जो दो लोग गए थे उनमें से एक वसीम, वो और मैं दोनों आज निकल रहे हैं। टाइम हो गया है 8:30 AM और यहाँ से ज़्यादा 1 या 2 घंटे लगेगा। और बेसिकली क्या आज मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और कितना बजट आएगा वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँगा, बट क्या मैं ले जा रहा हूँ इन द सेंस व्हाट इज़ इन माय बैग राइट नाउ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ निकॉन D3400, ये आपका कैमरा, और इसमें जो है 70-300 ये वाला लेंस, बड़ा वाला लेंस, और 18-55 ये आपका स्मॉल लेंस निकोन का। ओके, तो ये आज का हमारा सामान है जो हम अपने साथ कैरी करके ले जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्लेस है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था वो नेचुरल ब्यूटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं एंजॉय रनीफाल में। रनीफाल के बारे में आपको पहले से बताना चाहूँगा एक बार जरूर कि रनीफाल वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको एक ही रॉक्स में 7 डिफरेंट कलर्स की आपको रॉक्स देखने के लिए मिल जाएगी, विथ किस टाइप के उसमें मिनरल्स है ये डिस्कशन वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगा। और काफ़ी मतलब नेचुरल स्प्रिंग्स भी वहाँ पर हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं और इन्जॉय करते हैं नेचुरल ब्यूटी का रनीफाल में, जो कि बेसिकली छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो थैंक यू, लेट्स गो, बाय बाय। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 12 बजे दिन का, डे टाइम का, और मैं फाइनली आ गया हूँ रनीफाल। ऐसी प्लेस के बारे में आपसे बात कर रहा था जो आपको सामने ये जो फाउंटेन दिख रहा है नेचुरल फाउंटेन वो, और ये इस तरीके से ये जो आपके पास आपको रिवर दिख रही है ये कैन रिवर पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के खजुराहो तहसील में स्थित, राजनगर तहसील में स्थित रनीफाल। ये जो आपको रॉक्स दिख रही हैं सामने ये वाले, मैं इनकी बात कर रहा हूँ बेसिकली, ये एक ही रॉक पर 7 अलग अलग कलर के इसमें 7 रॉक्स पे अलग अलग कलर की रॉक्स या फिर यू कैन से टेक्सचर है, जिनमें से आपका ब्लैक भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, और पिंक भी है, वाइट भी है, और आपका ग्रे कलर में भी है। इस तरीके से 7 कलर में है, और अलग अलग जैसे ब्रेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, और जो अदर मिनरल्स होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें जो आपके टेक्सचर जो है वो आपको मिलेगा। और पिकनिक के स्पॉट से एज वेल एज़ नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्लेस है। बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर धूप निकली थी, बट अब टेम्परेचर अच्छा हो गया क्योंकि जो बादल है, जो क्लाउड्स, उन्होंने मोस्टली कवर कर लिया है इस एरिया को। ये रिवर आगे जाकर ये इसी तरीके से आगे जा रही है, और इसमें आगे की तरफ सिचुएटेड है केन घड़ियाल ट्रेल, एक तरीके से कैंप है वो, और वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल या जो एलिगेटर होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इस प्लेस पर। तो इस रिवर में वो आपका जो सामने जस्ट दिख रहा है वो आपका सबसे बड़ा वाटरफॉल है, उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वाटरफॉल हर जगह सिचुएटेड है, और इस तरीके से वाटर स्टोरेज के बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आएगा कि रॉक्स के बीच में कुछ एरिया
ऐसे हैं जहाँ पर वाटर स्टोर होके रखा हुआ है एक तरीके से। और यहाँ पे इस समय आप देख रहे हैं कि जो वाटर का कलर है, वैसे अमूमन यहाँ का वाटर का जो कलर है वो ग्रीन रहता है, पर यहाँ पे इस समय जो कलर आप देख रहे हैं वो डस्टी टाइप का है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि ऐसा जो यहाँ पे गाइड हैं उनका मानना है या वो कह रहे हैं कि शायद उस साइड में जहाँ से केन रिवर का उद्गम होता है, मतलब जहाँ से ये निकलती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। वैसे तो आप सामने वाले झरने का जो मतलब स्पीड है गिरने के नीचे, उससे आप देखकर अंदाजा डेफिनेटली लगा सकते हैं कि बारिश वास्तव में उधर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो और इस में जो आपका एरिया है यहाँ पर जो रने फॉल वाला एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है जो लोकल एनिमल्स हैं वो मिल जाएंगे। फ्लोरा और फौना काफ़ी रिच है यहाँ पर। तो और ख़ासकर बरसात के मौसम में तो जो फौना है, माफ़ कीजिए, वो आपको रोड्स पर भी इजीली आपको दिख जाएगा। चलिए चलते हैं, आपसे आगे मिलते हैं इसी। और इस तरीके से काफ़ी सारे एरियाज सामने वहाँ पे देख रहे हैं आपको, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इजीली कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पर, और आप सामने देख ही रहे होंगे कि लोग किस तरीके से नेचर को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी सारे प्लेसेस पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि रीजन इसका ये है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर वहाँ पहुंचने के लिए जो वो एक्सेस नहीं कर पाए हम, इजीली एक्सेसिबल प्लेसेस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट टाइम की तरह वसीम भाई मेरे साथ अगेन आ गए। मैंने आपको सुबह ही डिस्कशन किया था कि मैं और वसीम भाई दोनों लोग आ रहे हैं, और देखिए DSLR D3400 इनके हाथ पे है, ठीक है, और धीरे धीरे ये भी फोटोग्राफी सीख रहे हैं बेसिकली। और तो 1.5 आवर पास होने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन जहाँ से आए थे, इंद्रसेंस मोहम्मा। और यहाँ की कुछ मुझे पीछे रोड काफ़ी से, अगर आप डे टाइम में आ रहे हैं और सन शाइनिंग है तो ये रोड अच्छी है, अदरवाइज मेन गेट से और यहाँ तक रने फॉल तक पहुँचने तक रोड काफ़ी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी हो जाएगी अगर ये बारिश हो जाए तो। यहाँ पे आपको रोड्स पे ही फौना की डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिल जाएगी, जैसे वाइल्ड बोर है या फिर हाइना है या लिजार्ड्स हैं, और बर्ड्स में पीकॉक है, मंकी है, ये आपको इजीली मिल जाएंगे। सेकेंड मेन इंट्रेंस यहाँ पर चेक होता है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ पर आपका टिकट चेक होता है।
हेलो फ्रेंड्स, टाइम इज 2 o'clock राइट नाउ और हम लोग रनी फॉल्स से वापस आ गए हैं। ये प्लेस है डहर्रा जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और मैं और वसीम दोनों चाय पीने के लिए। और इसके बाद हमको हमारा प्लान जो है वो ये है कि आगे एक प्लेस पड़ता है लोगोस नगर, तो वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और आफ्टर दैट महोबा के लिए जाएंगे। हम लोग पहुँच रहे हैं लोगोस नगर, टाइम इज 3 o'clock और हम लोग डेली 5 कैफे जो कि चंद्रा रोड पर सिचुएट है और आई थिंक लोगोस नगर है जो छोटा सा टाउन है, स्मॉल टाउन। इसमें एकमात्र रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको लंच मिल सकता है। ढाबे मछली हम देखते चले हैं, खजरा हमसे यहाँ तक पूर्णिया में ढाबा नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद हमको ये फाइनली रेस्टोरेंट मिला है, दिल्ली फाइव कैफे। ऑर्डर कर दिया, देखते हैं कैसा टेस्ट है और क्या क्या आता है। सो वेट एंड जस्ट एंजॉय। ये हमारी जर्नी का लास्ट प्लेस है और उसके बाद हम फिर अपने डेस्टिनेशन महोबा पर पहुँचने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जर्नी, आप ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इस जर्नी में थकान, टायर्डनेस काफ़ी फील हो रही है। उसका मेन रीज़न जो है वो ये था कि रोड्स बहुत बेकार, करीब 70 किलोमीटर की जर्नी में मोर देन 25 किलोमीटर से ज़्यादा की जो रोड है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ओवरऑल जर्नी ठीक थी एक्सेप्ट रोड्स। दोस्तों, महोबा से रनी फॉल की अगर मैं विज़िट में जो विज़िट हमने किया उसके बजट की बात करूं तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि हम लोग स्कूटी से गए थे, तो यू नो वेल कि स्कूटी जो है एक टू व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल के कंपेयर में काफ़ी फ्यूल या फिर यू कैन से जो पेट्रोल है वो कंज्यूम करती है। तो हम जब यहाँ से निकले 8 o'clock पर तो हमने 350 का अपनी एक्टिवा 5G थी मेरी, उसको मैंने फिल करवा लिया था टोटल, तो 350 में हमारा आना जाना हो गया। और उसके बाद 2 or 3 प्लेसेस पर हमने नाश्ता किया, करीब 100 rupees उसमें लगा, तो दैट इज़ 350। और उसके बाद हमने जब हम लोग रनी फॉल पहुँचे तो वहाँ कैंपिंग के लिए, कैंपिंग नहीं है वो बेसिकली एक ट्रेल जो हमने किया वहाँ पे, उसमें 200 rupees का 2 person का चार्ज लगता है, तो वो हमने दिया, तो ये हुआ 550। और आफ्टर दैट हमने एक प्लेस पड़ता है रनी फॉल से लौटते हुए, उसका नेम है लोगोस नगर। तो लोगोस नगर में हम लोगों ने लंच किया, तो उसमें हमको 200 rupees का 2 persons का लंच पड़ा, तो अप्रॉक्सीमेटली हमको 750 से 800 rupees कि समथिंग हमारा टोटल जो है वो बजट बैठा इस ट्रिप में। यूनोवेल मैंने जब मैं आपसे बता रहा था उस समय पर, तो इस जो ट्रिप की टोटल डिस्टेंस थी वो 70 किलोमीटर थी, तो 70 किलोमीटर में 700 या 800 रुपीज़ काफ़ी मायने रखते हैं एक ट्रैवलर के लिए, बट एक टूरिस्ट के लिए आई थिंक आई होप कि ये कम है। बट जैसे कि मैं आपको पहले भी आप चैनल के नेम से देख सकते हैं कि हमारे जो बेसिकली चैनल का नेम है वो एक्सट्रीम ट्रैवलर है, मतलब ट्रैवलर एक्चुअली एक ऐसा पर्सन होता है जो कम बजट में अपनी ट्रैवल को पूरा करता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमको कॉस्टली पड़ गई। और जैसा कि हम सोचते थे कि ये बजट ट्रैवल होगी वो नहीं हो पाई। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बाय।